सभी रेल यात्रियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ट्रेनों को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है और मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज इन्फॉर्मेशन रेलवे से रिलेटेड आए तो सबसे पहले वो मैं आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर यात्राएँ शुरू होती हैं, फिर से ट्रेनें चलती हैं, तो इन सभी नियमों का पालन भी करना होगा। और रेलवे भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है कि रेलवे में जो भी यात्रा होंगी वो सारी की सारी सुरक्षित हों, यात्रियों को भी कोई दिक्कत ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो नई न्यूज़ आ रही है उसमें क्या कहा जा रहा है कि ट्रेनें जो चलेंगी वो उस जिले में, जिस जिले में एक भी संक्रमित होगा वहाँ पर वो ट्रेनें जो है वो नहीं रुकेंगी। और साथ ही साथ जो ट्रेनों की टिकट की जो बुकिंग होगी, जो सीटों की बुकिंग होगी, उसमें मिडल जो सीट होती है उसकी बुकिंग नहीं की जाएगी। अब दोस्तों, ऐसे में सरकार के सामने, रेलवे के सामने भी एक चुनौती है कि वो सुरक्षित यात्राएँ करवाएँ। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे, बस और विमान यात्रियों के अलावा यहाँ काम करने वाले अलग अलग एहतियात बताई गई हैं, इन सभी नियमों का पालन भी करना होगा। अब अदालत, कुरियर सर्विस, रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग जो है वो ज़रूरी होगी। ट्रेन में मिडिल बर्थ बुक नहीं होगी। प्लेटफॉर्म टिकट भी इसी वजह से महंगा कर दिया गया है ताकि रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और लोग सुरक्षित अपनी यात्राएँ पूरी कर सकें। TTE के पास भी थर्मल स्कैनर होगा, जिससे वह टिकट जांच के साथ साथ यात्रियों को भी जिसमें ऐसे लक्षण दिखते हैं उनकी जांच कर सकेंगे। ट्रेन में मास्क लगाकर और सैनिटाइजर पाउच देने का भी सुझाव आ रहा है। ऐसे में एयरपोर्ट पर बुजुर्ग, गर्भवती और बच्चों का बोर्डिंग पास के लिए अलग से लाइन लगवाई जाएगी ताकि जो है इन लोगों को ज़्यादा सुरक्षा दी जा सके। और दोस्तों, विमान में जब भी किसी भी बंदे की अगर फ्लाइट की टिकट बुक है तो 3 घंटे से ज़्यादा पहले अब एयरपोर्ट पर अलाउ नहीं किया जाएगा, अंदर नहीं जा सकेंगे आप। दोस्तों, जो भी जानकारी इस वीडियो में मैंने बताई है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप और ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए उस लिंक पर क्लिक करके पूरी न्यूज़ को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट अगर आती है तो सबसे पहले वो आपको पता चल सके। साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं रेलवे से रिलेटेड अगली वीडियो में। तब तक के लिए सत्यमेव जयते।